तो भाई मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है देवरा और जो कि पिछले कुछ दिनों में रिलीज हुई थी। और सच कहूं तो भाई ये मूवी देखने के बाद मेरा ओरिजिनल मूवी आइडिया से तो विश्वास ही उठ गया है। जूनियर एनटीआर की ये पिक्चर एकदम ही अननेसेसरी फील होती है, जिसके लिए लिटरली मैंने अपने 1000 रुपए खर्च किए, जो कि भाई अब मुझे मेरे 1000 रुपए तो वापस नहीं मिलने वाले। पर बदले में ये मूवी कैसी है मैं तुम्हें ये बताता हूँ। देवरा नाम की बकचोदी 2.5 घंटे तक चलती है, जिसमें मल्टीपल टाइम स्टोरी को एंड करके स्टार्ट किया जाता है। जहाँ इसको फील तो ये बाहुबली और KGF की तरह देना चाहते थे, जब इस पिक्चर को देखकर आप ये कह सकते हो कि गोल्ड बनाने के चक्कर में गू बन गया। मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मूवी की जरूरत ही नहीं थी, कहानी बस बना दी है और इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। जब पहले पार्ट में मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया था कि इसकी क्या ही जरूरत थी। लिटरली तुम बाहुबली और KGF को तोड़ ताड़ के मिक्स करो और समंदर में सेट कर दो, लो तुम्हारी देवरा मूवी तैयार है। लिटरली मूवी में कुछ नया नहीं है, जो ट्विस्ट था वो आप पहले ही गेस कर लेते हैं। मूवी के एंड में क्लिफहैंगर दिया गया है अगली मूवी के लिए, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि भाई इंटरवल में ही समझ में आ गया कि लोगों को दूसरा पार्ट देखना नहीं है। लिटरली भाई इंटरवल से पहले भी लोग उठ के चले जा रहे थे और आधे से ज्यादा लोग तो इंटरवल के बाद वापस ही नहीं आए। ये मूवी इतनी पॉइंटलेस फील होती है। फॉर श्योर जूनियर एनटीआर ने भी काफी अच्छा काम किया है, पर वो भी अपना 100% नहीं दे पाए, जिसकी वजह से मूवी एक मीडियोकर मूवी बन के रह गई है। अगर इसमें थोड़ी सी स्टोरी अलग बनाने की कोशिश करते या फिर अपनी तरफ से कुछ नया करते तो शायद ये लोगों को पसंद भी आती। पर भाई एक तरह की मूवी का जॉनरा चलता है तो लोग उसी को कॉपी करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल भाई KGF चल गई तो लोग उसी की तरह मूवी बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि ये जूनियर एनटीआर की मूवी देवरा बिलो मीडियोकर है। मूवी में अगर कुछ अच्छा है तो वो जॉनवी कपूर और जूनियर एनटीआर का गाना, बाकी सारी मूवी बस चलती जाती है। कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा ओवर पावर दिखाया गया है और मूवी में जो ट्विस्ट देने की कोशिश की गई है वो आपको पहले ही पता चल जाता है। मूवी में सस्पेंस देने की कोशिश की है पर आप पहले ही स्टोरी गेस कर लेते हो। मूवी में ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पहले कभी नहीं देखा और ऐसा भी कुछ नहीं है जो आप दोबारा देखना चाहोगे। और इसे देखने के बाद भाई मैं बस दुआ ही कर सकता हूँ, पर फिर भी बाकी मैं इसे दूंगा 3 out of 5 stars। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो।